वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूज, वेलकम टू मेड बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं, ये आप लाइनिंग वाला कपड़ा देख रहे हैं, इससे हम एक खूबसूरत सी फ्रॉक बना के दिखाएंगे जो कि समर फ्रॉक होगी और बिल्कुल सिंपल सी, कुछ भी इसमें हमें नहीं करना। बस ये देख रहे हैं, अब हमने इसको तिकोन किया है इस तरीके से लिफाफा स्टाइल में, ठीक है। यहाँ से हमारा ये हिस्सा ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये कपड़ा कितना था ये भी मैं बता देती हूँ। ये अगर हम इसको तिकोन कर लेंगे तो हमारे पूरा चकोर हिस्सा कपड़े का आ जाएगा। और ये देखें, आपको मैं साइज़ बता देती हूँ कितना हमने लिया हुआ कपड़ा। हमारे पास तकरीबन 24 इंच कपड़े की लंबाई है और ये डबल है, ये देख रहे हैं आप, इसको दो पीस हैं ये। तो अब हम इसको इस तरीके से हम इसे सेटअप करेंगे, ठीक है। करने के बाद जो है यहाँ से हम इसे लेंगे और अब इसको हम इस तरीके से यहाँ से हम इसकी शोल्डर और आर्म होल वगैरह कटिंग करेंगे। इसको हम ये जो कोना है हमारा ये हम इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको मैं ये लपेट के थोड़ा सा आगे कर रही हूँ। अब हम यहाँ से अपना आर्म होल नापेंगे, ये देख शोल्डर, सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। 5.5 इंच हमने इसका शोल्डर लिया है, ये देख रहे हैं, हम निशान लगा रहे हैं इसको शोल्डर को, ये हुआ हमारा 5.5 इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें, यहीं से हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे, ये देख रहे हैं आप। यहाँ आर्म होल हम लेंगे, सीधा लेंगे अभी हम यहाँ तक 5-6 पॉइंट तक, देख रहे हैं आप इसको। और उसके बाद यहाँ से हमें लेना है, ये देखें 7.85 इंच तक, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि ये लटकेगा हमारा तो ये नॉर्मल हो जाएगा वैसे ही, ये देख रहे हैं निशान लगाया हमने। अब उसके बाद यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगा देंगे अपना, ये हमारा आर्म होल आ गया है। यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया था, ये हमारा तकरीबन 8 इंच है। और अब हम यहाँ पर जो है 3 इंच के करीब हम रखेंगे गले के लिए निशान। और यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच, ठीक है, ये हमारा बैक का गला है। अब हम यहाँ से पहले इसकी गले की कटिंग करेंगे, ये देखिए मैंने निकाल दिया इसको इस तरीके से। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये हमारा सेटअप हो गया है। अब यहाँ से हम लेंगे इसको इस तरीके से पूरा, ये देख रहे हैं आप, इसको पूरा लेंगे आड़ा करके हम यहाँ से 10.5 इंच के करीब हमारा ये आएगा, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये देख रहे हैं ये हमारी इस तरह कटिंग हुई है, ये पूरी ये स्टाइल आया हमारा। और अगर आप ये कोना थोड़ा सा कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं, वैसे ये जब हम सिलाई करेंगे तो ये ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको यहाँ पे निशान लगाएंगे, जो हमारे फ्रंट का जो गला है उसके लिए हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, तो हम इसे कर लेंगे 2 इंच के करीब, ठीक है। और इसे हम यहीं से इस तरह निशान लगा के उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है, ये हो रहा। और यहीं से हम फ्रंट का थोड़ा सा और 1/2 इंच के करीब शोल्डर को भी हम इजाफी काटेंगे, ये सिर्फ फ्रंट पे कटिंग करेंगे हम, ठीक है, बैक पे नहीं। अब इसको यहाँ से भी कटिंग कर देंगे, यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसके बैक साइड पे लगाने के लिए लाइनिंग की कटिंग करेंगे, जो यहाँ तक आएगी हमारी बस, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएगी। तो अब हम इसको स्टिच करने चलते हैं। ये मैं 2.5 इंच के करीब मैं निशान लगा रही हूँ। पहले हमने इसमें लाइनिंग लगाने का सोचा था, लेकिन अब मैं लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, पाइपिंग लगा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा समर ड्रेस है, उससे वो ज़रा हैवी हो जाएगा, ठीक है। ये 1 इंच के करीब हमने इस तरफ रखा है और अब हम इसकी कटिंग इस तरीके से कर देंगे। ये हमारा बैक साइड है ये, ठीक है, ये हमने काट लिया ये। और ये देख रहे हैं आप इसको, ये इस तरह आया हमारा हिस्सा, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पाइपिंग लगाने से पहले हम इसे शोल्डर जोड़ेंगे आपस में दोनों तरफ के, ठीक है। ये देख रहे हैं ये हमारा हिस्सा, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है, ठीक है, ये देखें। हाँ, अब हम इसे शोल्डर इसके हम सीते हैं, उसके बाद हम इसके गले की पाइपिंग लगाएंगे।
ये देख रहे हैं, ये हमने सी लिया। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे अपनी, और उसके बाद फिर हम बैक साइड पे लगाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं हमने गले में इस तरह पाइपिंग लगा ली है। अब जो ये हमारा बैक साइड का हिस्सा है, इसको हम तकरीबन 10 इंच इतना छोड़ेंगे, और यहाँ से हम पाइपिंग, मतलब पाइपिंग तो हम बनाएंगे मगर 10 इंच के बाद जो है इसको हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये पूरी पाइपिंग हमारी इस तरह सिल जाएगी, फिर उसके बाद हम इसके अंदर इसको इसके अंदर सेट करेंगे, और ये हमारा बैक साइड का जो ये गला है ये हम पूरा इसको इस तरीके से सी लेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये फिर हमारा इस तरह आएगा, और ये हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये देख रहे हैं आप, इसको 10 इंच के करीब हमने ये पाइपिंग तैयार कर ली है। अब यहाँ से हम अपनी टॉप को लगाना शुरू करेंगे, और पूरी पाइपिंग इसी तरह लगा के और दूसरी तरफ से हम इसको सी लेंगे पूरा। ये देख रहे हैं, ये हमारी पाइपिंग बैक साइड की भी लग चुकी है। ये इस तरह हमारे जो है सेटअप होगा। इससे पहले भी हम कई फ्रॉकों में ये स्टाइल बना चुके हैं, मगर फिर भी मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बना के दिखा रही हूँ। ये है हमारा, ये बैक साइड का ये आ गया है ये हिस्सा, ठीक है। कि हम ये हो गया हमारा, ये कर लिया हमने। उसके बाद जो है अब हम इसके आर्म होल पे पाइपिंग लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद करने के बाद जो है हमारा नेक्स्ट काम होगा, ये जो एक हम यहाँ से नापेंगे, देख रहे हैं आप इसको, यहाँ से हमारा होगा स्टाइल। ये हम बैक साइड पे निशान लगाएंगे तकरीबन 10.5 इंच के करीब, 10 इंच बल्कि ना, यहाँ पे निशान लगा के हम इसे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे, ये कमर का जो हिस्सा होगा हमारा, ठीक है। तो अब हम पहले आर्म होल पे पाइपिंग लगा लें, उसके बाद फिर हम इसको निशान लगा के आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं हम 10 इंच के करीब, मैंने आपको बताया था ये निशान लगाना है हमें, ये बैक साइड है हमारा, तो हम यहाँ पे आराम से निशान लगा सकते हैं डार्क भी। तो ये देख रहे हैं मैं दोनों तरफ से ये 10 इंच का लगाऊंगी निशान, और लगाने के बाद आप इसे प्रेस से भी बिठा सकते हैं, और मगर ये क्योंकि प्योर कॉटन है तो ये आराम से जो है ना हम इसको इस तरीके से हम सेट करेंगे। ये देख रहे हैं आप इसको पूरा यहाँ से, और उसके बाद ये मिला, ये देखा आपने इसको, इस तरह हम इसकी निशान लगा देंगे थोड़ा सा। ये मैं इस तरीके से कर रही हूँ, एक अलग तरीका है ये थोड़ा सा, लेकिन ये है कि आप चाहें तो आप इसको जो है इस्त्री से जो है सेट कर सकते हैं, ताकि आपको एक वाज़े निशान आ जाए। ये पूरे में तो हम नहीं डाल सकते ना निशान, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा मेरा निशान आ गया है। अब जो है ये हम ये वाली इलास्टिक जो है हमारी बाइबिन इलास्टिक होती है, हम इसको लगाएंगे पूरे में डबल, और उसके बाद ये हमारी खुद ब खुद ये चुन्नट आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये देख रहे हैं हमारी इलास्टिक हल्की सी लग गई है बिल्कुल, और ये जब हम प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली बैठ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे फ्रॉक में अब सिर्फ ये करना है, ये जो नीचे का हमारा हिस्सा है हम इसे फोल्ड करेंगे, और हमारी फ्रॉक के साथ ही पूरी कोने से हमारी फोल्ड होगी, और फोल्ड होने के साथ जब हम नीचे की सिम लाइन मोड़ लेंगे तो उसके बाद जो है हमारी फ्रॉक रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको लास्ट अपना ये करते हैं। आप देख रहे हैं हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है, बहुत खूबसूरत सी फ्रॉक बनी है, बिल्कुल सिंपल सी, बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली। अगर आपको हमारी ये समर फ्रॉक पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस ट्यूटोरियल एंड लाइक दिस ट्यूटोरियल एज वेल। थैंक यू सो मच।